सो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। तो गाइस आज की वीडियो में दोस्तों हमारे पास है यहां पर TVS Jupiter 125। तो गाइस आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं TVS Jupiter 125 के ऊपर, क्योंकि इसमें दोस्तों मुझे एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों एरर की प्रॉब्लम आ रही है। वो आपको मैं आगे बताऊँगा वीडियो में किस बात का एरर है वो, और आपको मैं ग्राफ भी दिखाऊंगा जिसमें आपको एरर आपको टोटल दिखाए जाएंगे कि उसके कितने आप जो एरर आपको दिखाएगा स्कूटरी में वो आपको इसमें ग्राफ में आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम पहले बात करते हैं, तो यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर दोस्तों स्कूटरी को ऑन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जो लाइट है वो एरर की लाइट आ रही है इस समय। आप देखो यहाँ पर ये जो लाइट आ रही है ये एरर की लाइट आ रही है दोस्तों, ये आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये एरर की लाइट आ रही है। इसको आप ये तब आती है जब कई बार होता है कि जो मैग्नेट की जो सॉकेट होती है, जो मैग्नेट कॉइल की जो इसमें इंजन की सॉकेट रहती है, वो कई बार होता है कि थोड़ी लूज़ हो जाती है, या कई बार होता है कि नहीं, जहाँ अगर वो बिल्कुल ठीक है तो बैटरी लो के कारण इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइस इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है हमारी स्कूटरी में वो बैटरी लो की ऑप्शन आ रही है। तो आपको आगे बताते हैं वीडियो में कि इसको कैसे हम पहचान सकते हैं कि आखिर जो प्रॉब्लम आ रही है वो कैसे आ रही है। तो पहले तो यहाँ पर आप देखो, इसको हमने ऑन रखा है, तो यहाँ पर ये सेल्फ लगाने से ये स्टार्ट हो गई है। अभी तो दोस्तों ये स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दोस्तों ये स्टार्ट होती नहीं है। हम सेल्फ लगाते रहते हैं, ये स्टार्ट होती नहीं है, बस सेल्फ लगती रहती है, धीरे धीरे लगती रहती है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं होती। तो आओ मैं दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर देखें एरर कैसे निकालना है आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्लच है इसका, इसका ब्रेक को कोई सा भी एक ब्रेक दबा लेना है आपको, और इसका जो सेल्फ वाला बटन है उसको दबा लेना है। इसको 15 सेकंड तक दबा के रखो, फिर आपको जो एरर है इसकी जो लाइट है वो एरर वाली वो ब्रिंक करने लग जाएगी, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको आगे एक टाइम पे आके। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो एरर वाली लाइट है वो ब्लिंक करने लग गई है। अब यहाँ पर जो स्लो काउंटिंग हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो दोस्तों ये जो 8 काउंटिंग हो रही है इसमें बताते हैं पहले आपको ये हो क्या रहा है। जो इसमें जो स्लो काउंटिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो ब्लिंक धीरे धीरे ब्लिंक कर रहा है वो आपको 10 में गिनना है, और जो तेज ब्लिंक कर रहा है वो दोस्तों आपको 1, 2, 3 में गिनना है, यानी कि नंबर 1 गिनना है, नंबर 1, 2, 3 ऐसे गिनना है। जो आपका ये स्लो ब्लिंक कर रहा है वो आपको 10 में गिनना है, और जो आपका जो हल्का हल्का ब्लिंक कर रहा है, एक एक बार पूरा फास्ट ब्लिंक कर रहा है, उसको आपको 1, 2, 3 में गिनना है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इसमें एरर क्या आ रहा है। अब देखो यहाँ पर दोबारा से आपको फिर दिखाऊंगा, अब देख रहे हो, एक और पूरे ध्यान से देखो अब हो क्या रहा है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस समय हो क्या रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो एरर बन 36 एरर, तो मैं आपको एक स्क्रीन पे ग्राफ शो कर दूंगा जो कि हमने बंदे की वीडियो से उठाया था, जो कह रहे थे कि यार आप इसमें से देख के आप पता लगा सकते हो 3 बार ब्लिंक करने पे और 2 बार ब्लिंक करने पे अगर एरर आता है तो आपको जो मैग्नेट कॉइल की जो सॉकेट है वो होता है कई बार वो ढीली पड़ जाती है, तो उसको आप टाइट करके दोबारा से लगा के, तो अगर फिर वो एरर आता है तो फिर आप जरूर कंपनी में जाके दिखाएं। तो अभी हम जाएंगे, अभी हमने भी कंपनी में इसको दिखाना जाके। बाकी दोस्तों ये 7 बड़ा दे रही है हमारा, लोग कहेंगे कि यार इसमें कुछ बहुत सारी कमियां हैं, पर मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन इसमें जो अच्छाइयां भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी इसमें अच्छी खूबियां भी। अगर आपका पास ज़्यादा सामान हो जाता है तो आपके पास तो यार इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है, थोड़ा सामान आप आगे रख लो। और इसमें डिग्गी में भी बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है, अगर कहीं आप सब्जी लेने जा रहे हो तो आपको सामान आगे रखना पड़ जाता है, और सब्जी अगर हद से ज़्यादा हो जाती है तो आप इसको डिग्गी में भी रख सकते हो। और इसमें एक फ्रंट फ्यूल टैंक है, जब आप पेट्रोल डलवाते हो तो आपको उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, आपको उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं इसमें, इसमें डिग्गी आ जाती है, डिग्गी में भी हमारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो डिग्गी बहुत बड़ी है। और कुछ चीज़ें जैसे ये, तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, बाकी डिग्गी वगैरह है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखो ये डायमंड कट अलॉय व्हील, ये इसमें ही आते हैं,